आई एम सलमान एहसन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेसिकली हमें कुछ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ दूंगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएट प्रॉपर्टी और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। फिर बाद हम इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और इन प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे ताकि इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले बात ये कि इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना है। इसके अंदर बेसिकली कम्यूटेट क्या होते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इनके ऊपर वेरीफाई होती हैं नहीं होती, वो नंबर्स दिए गए उनको हमने वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं बेसिक आइडिया दूंगा इनके बारे में और उसके बाद फिर हम इसको सोल्यूशन करेंगे। पेपर पॉइंट व्यू से बता अगर देखें तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज तक, क्योंकि ये इसी तरह का क्वेश्चन आपकी प्रीवियस भी था, तो इस तरह का क्वेश्चन ये था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आज तक कभी आपके पेपर में नहीं आया, लेकिन ये था कि एमसीक्यूज़ में ज़्यादा बार देखा गया था 10 ईयर के अंदर। तो पेपर पॉइंट व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कुछ पता नहीं आ सकता है या नहीं आ सकता। और उसके अलावा आपको पढ़ना है आपकी बुक में तो आपको पढ़ना ही चाहिए। तो यही कहूँगा, अगर आप वीक बच्चे हैं या आपके पास टाइम कम है तो आप पढ़ दें, वरना इसको कर लें, अच्छी बात है। क्या पता आपको अच्छा, ये वाली बात ज़रूर है कि आपको ये ई कैट में ज़रूर काम आएगा, क्योंकि इस तरह की टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं आपके साथ ई कैट में पता करें, तो आप अभी पढ़ लेंगे तो आपके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सोल्यूशन से पहले कुछ बेसिक आइडिया दूंगा और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आएंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले उसके अंदर जो बेसिक आइडिया वो आपको बता दूं, ताकि हम क्वेश्चन नंबर 1 के जब सॉल्यूशन करें तो उसको समझने और उसका सॉल्यूशन करने में आपको आसानी हो। तो बेटा सबसे पहले क्या है ज़रा वो देखें। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जिसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पता होनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी लग रही हैं, और उसके अलावा यकीनन आपने अपनी प्रीवियस क्लास यानी कि मैट्रिक क्लास में भी इन प्रॉपर्टी को ज़रूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो यहाँ पर आपका रिवाइज़ हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पर चीज़ें एब्जॉर्ब करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना 3 क्या दिए जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे, जैसे कि Z1, ठीक है जी, Z2, ठीक है, और उसके अलावा Z3। इसके रिस्पेक्टिवली मैं मिसाल के तौर पे कोई बोल देता हूँ 2+3i एंड 6+2i एंड 2-3i, ठीक है जी। बेटा अब ये देखिए हैं 3 अलग अलग क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या करना है, डिफरेंट हमें प्रॉपर्टीज़ के नाम बताए जाएंगे और उसकी क्या बोला जाएगा कि ये 3 वेक्टर उसके ऊपर वेरीफाई करते हैं या नहीं करते। तो उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ मतलब कि उन प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी है क्या। तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा और फिर इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको इजीली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। बेटा तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा, कम्यूटेटिव कभी भी आपके पास आ जाए ना, क्योंकि कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए, तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ऑर्डर चेंज करना। तो यहाँ पे ज़रा देखें क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखिए WRT, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम एडिशन यानी कि ऑर्डर चेंज कर दें एडिशन के अंदर, तो कोई प्रॉपर्टी पर फर्क नहीं पड़ता। तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है कि भाई कभी हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, यानी कि Z1+Z2, ठीक है जी, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। मिसाल के तौर पे Z1 मेरे पास ये रहा और Z2 मेरे पास ये रहा, इन दोनों को मैं ऐड करूं, ठीक है, ये इक्वल आएंगे Z2+Z1 के। यानी कि पहले मैं Z1 को ऐड, यानी कि पहले इन दोनों को ऐड कर रहा था, उसके बाद क्या करूंगा कि Z2 को Z1 के अंदर ऐड करूंगा, तो दोनों हमेशा सेम ही होंगे, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा सेम होंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन का मतलब क्या था, ये ऐड में, यानी कि इनके ऑर्डर, अगर कम्यूटेटिव मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर चेंज करना, तो इनका ऑर्डर चेंज करके इनको ऐड करोगे तो इनके आंसर सेम ही रहेंगे। तो लिहाजा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी मैं आपको सोल्यूशन ही बता रहा, आपको इनकी टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि सोल्यूशन तो हमने क्वेश्चन नंबर वन के अंदर कर नहीं है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर वन में हम बताओ क्या करेंगे, हमें कहा गया है कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताओ कम्प्लेक्स फॉलो करती है नहीं करती, तो हमें पता है कि भाई जेड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जेड वन प्लस जेड टू यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया और उसके बाद उनका ऑर्डर चेंज किया यानी कि जेड टू प्लस जेड वन, तो उनका ऑर्डर जिस तरह की ये दो एग्जाम्पल मैंने ली हुई है, पहले इनको इसके अंदर ऐड करूंगा फिर इसको इसके अंदर ऐड करूंगा और देखूंगा दोनों सेट सेम आ रही है, तो बिल्कुल सेम आ रही होंगी क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन करना है, तो हम बोलेंगे हाँ जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। लेकिन फिलहाल आप मेरे पे यकीन रखें कि मैं आपको भी टाइम आपका ज़ाया नहीं करना चाह रहा कि भाई आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिवली एक एग्जांपल करके दिखाऊं, क्योंकि पांच प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो हमारा अच्छा खासा टाइम चले जाएगा, ये सेम चीज़ ही हमने क्वेश्चन नंबर वन के अंदर करनी है। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ और उनकी जो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट है उनको आप ज़रूर समझें, ठीक है, और इन ये चीज़ जो है आपको एमसीक्यूज में ज़रूर मिल सकती है, ठीक है बेटा, तो आपके ही फायदे की बात है। तो चलें जी आगे चलते हैं, तो उम्मीद करता हूँ पहले ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको समझ आ गया होगा, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है ऑर्डर चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सिंपल। अब अगर आपको पहली समझ आ गई तो दूसरा तो आंखें बंद करते ही समझ आ जाएगी, कैसे ज़रा देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहां पे थी एडिशन, इसका मतलब ये है कि भाई z1 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं z2 से, समझ रहे हैं, क्या z1 मल्टीप्लाई करूं मैं z2 से तो इसका ऑर्डर अब क्या है, कम्यूटेटिव मैंने क्या था ऑर्डर चेंज कर दूं, तो भाई अब मैं z2 को मल्टीप्लाई करूंगा z1 से, सही है, यानी कि भाई मिसाल के तौर पे z1 का मतलब क्या है मल्टीप्लाई बाय z2, तो इसका मतलब यह है पहला ऑर्डर मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 प्लस 2 आयोटा से, ठीक है जी, इक्वल टू ये किसके आना चाहिए था z2 मल्टीप्लाई बाय z1, तो z2 फिर हम लिखेंगे पहले ये लिखेंगे 6 प्लस 2 आयोटा एंड मल्टीप्लाई बाय z1 क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, समझ आ रही है क्या कि अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो इसलिए z1 पहले हमने z1 मल्टीप्लाई किया z2 से, अब z2 मल्टीप्लाई करेंगे z2 से, तो ये क्या था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैंने बताया था कि ऑर्डर चेंज करना, तो भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी कि z1 z2 ऐड कर रहे थे तो फिर z2 z1 ऐड करेंगे, इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या किया कि भाई z1 यानी कि z1 z2 का मतलब क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है हमारी सिंपल अलजेब्रा जो थी उसके ऊपर भी ये लग रही थी मुझे याद, आप मुझे पता है कि ये मैट्रिक के अंदर है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई मसले की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से बेसिक चीजें ही बता रहा हूं और उम्मीद कर रहूंगा ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अच्छा जी, तो जरा देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यानी कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई बाय z1, यानी कि ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके आंसर क्या होंगे सेम ही आएंगे, ये याद रखिएगा, ये भी प्रूव होता है, ठीक है जी, और ये चीज़ भी प्रूव होती है, इसको आपने याद करना है कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है प्रूव है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा और उनके ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आएगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो उनका ऑर्डर चेंज करके उनको ऐड करो तो उनके आंसर सेम आएंगे, ठीक है जी। अब चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब बेटा याद रखना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा याद रखना तीन नंबर आते हैं, ठीक है, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो चीज़ों की बात होगी, एसोसिएट प्रॉपर्टी कभी भी एसोसिएट नाम आ जाए ना तो एसोसिएट में याद रखना कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का काम होगा, ठीक है, तो चलें जी जरा देखते हैं क्या होगा एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो जरा देखो यहाँ पे क्या होगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, ठीक है जी बेटा, इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री। अच्छा बच्चे बोलेंगे सर ये क्या किया, भाई सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि भाई एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है तीन चीज़ें, तो इसलिए मैंने थ्री लिख लिया, अब एडिशन है तो एडिशन यानी कि ऐड कर दिया, अब इसमें क्या होता क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर हम पहले के दो को ऐड करें, ठीक है, पहले या मिसाल के तौर पर यानी कि ये दो ऐड कर दिया फिर उसके बाद तीसरा अलग से यानी कि पहले इन दोनों को ऐड करके एक आंसर आ गया फिर तीसरा उसके अंदर ऐड किया जाए, ठीक है, ये किया इक्वल टू यानी कि उसके अलावा फिर क्या करेंगे कि ये जो सेकंड वाला है और तीसरा वाला है यानी कि अब इन तीनों को अगर इन दोनों को ऐड करें फिर जो आंसर आएगा उसको हम इसके अंदर ऐड करें तो आंसर जो होगा हमारा सेम ही आएगा,
ठीक है बेटा, उम्मीद करो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी समझ आ रही होगी। एसोसिएटिव का मतलब होता है तीन, तो तीन नंबर हमने ऐड करने हैं, ठीक है, एडिशन के रास्ते कर रहे हैं, तो पहले के दो नंबर को ऐड करेंगे, वो जो आंसर आएगा उसको तीसरे में ऐड करेंगे, और इक्वल कैसा होगा कि भाई जो बाद के दो नंबर होंगे उनको ऐड करेंगे, तो फिर जो आंसर आएगा उसको हम पहले वाले में ऐड कर देंगे, यानी कि पहले इनको ऐड किया उसके बाद वो तीसरा वाला ऐड कर दिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, आखिरी वाले दो ऐड करेंगे और पहला वाला उसमें ऐड कर दिया, तो दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, तो ये भी इसके ऊपर क्या करेगा, प्रूव करेगा। सही है जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि एसोसिएट प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन भी समझ आ गई होगी। ये चीज़ें आपको याद करनी होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद होंगी तो यकीनन आपको क्वेश्चन नंबर वन के अंदर जेड वन जेड टू की वैल्यूज दी जाएंगी, बस आपने यहाँ पे डालनी है और आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम्स आ रही होंगी। ठीक है जी बेटा, अब चलते हैं आगे की चीज़ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, थ्री विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब आ गई मल्टीप्लीकेशन की कहानी, तो भाई Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, ठीक है जी बेटा, और क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय Z3 इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। सही है जी बेटा, तो अब इसके अंदर क्या होगा, अब हम यहाँ यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में पहले दो ऐड करते थे, तो इसमें हम पहले दो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर तीसरा मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी बेटा, एक ये चीज, और उसके अलावा इक्वल टू के किसके होगा कि अगर पहले हमने क्या किया कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तीसरा मल्टीप्लाई कर दें, या हम इन तीन पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करके तीसरा उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो वो इसके इक्वल ही आएगा। तो जरा देखें पहले हम क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करके फिर पहला मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल ही आएगा, तो इस चीज़ को भी समझ लें, बिल्कुल वही चीज़ है लेकिन मतलब कि कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। सही है जी, अब चलते हैं आगे, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो भाई ज़रा देख लो इसकी क्या स्टेटमेंट है, यानी कि Z1 है उसको अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 प्लस Z3 से, समझ लो कैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, ये मल्टीप्लीकेशन और एडिशन पे हो रही है, अगर सब्ट्रैक्शन बोल रहे वैसे आएगा नहीं क्योंकि आपके कोर्स में बोला ही नहीं गया तो कभी भी नहीं आएगी वो चीज़, ठीक है ना बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, तो भाई मल्टीप्लीकेशन और एडिशन हो रही है, तो भाई वो कह रहा है कि भाई पहले दो को ऐड कर लो, ठीक है, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कर लो, या तो आप ये करो कि भाई Z1 को मल्टीप्लाई करो Z2 से और फिर Z1 को मल्टीप्लाई करो Z3 से, इनके जो दो आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होंगे उनको ऐड कर दो, तो दोनों की बात एक ही है, जैसे कि भाई आपको पता है Z1 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही फॉर्म बनेगी, तो बिल्कुल कॉमन सेंस ही बात है, तो आप ऐसा करो पहले सम करके यानी कि ब्रैकेट को सोल्व करके मल्टीप्लाई कर दो, या पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर दो, तो दोनों चीज़ें ही आपकी आएंगी, तो दो ये भी हमेशा प्रूव होगा, तो यकीनन ये भी प्रूव होगा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑर्डर चेंज करना है एडिशन के अंदर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑर्डर चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, यानी कि मल्टीप्लाई ए से बी हो रहा है तो फिर बी से सी को बी से ए कर देना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कुछ इस तरह की फॉर्म में दिए जाएंगे, एसोसिएटिव का मतलब होता है थ्री, तो एडिशन का मतलब है पहले दो को ऐड करो फिर तीसरा ऐड कर दो, और इक्वल होंगे पहले आखिरी के दो को ऐड करो तीसरा उसके अंदर ऐड कर दो, और मल्टीप्लीकेशन में पहले दो को मल्टीप्लाई कर दो फिर तीसरा ऐड मल्टीप्लाई करो, या आखिरी के दो को मल्टीप्लाई करके फिर पहला मल्टीप्लाई कर दो, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के अंदर क्या होगा कि भाई सिंपल सी बात है कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा तो Z1 और Z3, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो ऐड कर दो, या पहले इनको प्लस करके फिर उनसे मल्टीप्लाई कर दो, हमारे आंसर हमेशा सेम ही आएंगे, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनकी ये स्टेटमेंट थी जो आपको पता होना लाजमी है, क्योंकि ये अक्सर आपके एमसीक्यूज में भी मिल सकती है, आगे अभी तक तो नहीं आई हुई है लेकिन बहुत कम आई हुई है, लेकिन आ सकती है, उसके अलावा ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके क्वेश्चन नंबर वन को तो सोल्व करने के लिए आपको ये पता ही होनी चाहिए, तो चलें जी हम क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर वन ले लिया है, उसके अलावा बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया है वो मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया ताकि अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकें, तो चलिए जी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो चीज़ देखी जाए वो ज़रा देखते हैं, यहाँ पे हमें कहा गया है कि लेट करें Z1 is equal to 3 minus 4 iota, Z2 is equal to 4 plus 5 iota and Z3 is equal to minus 5 plus 6 आयोटा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, तो सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे लेते हैं Z1, Z2 एंड Z3,
ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है जी बेटा। 3-4 आयोटा, उसके अलावा दूसरा क्या दिया है, 4+5 आयोटा, और उसके अलावा -5+6 आयोटा, ठीक है जी बेटा। तो ये सिक्स ये ही दिए हैं, एक बार मैं वेरीफाई कर लो तो क्योंकि आगे हमारे लिए फिर मसला ना। जी बिल्कुल, ये थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। अब उसके बाद ये पांच प्रॉपर्टीज दी गई हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताई हैं, क्या कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन, उसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन। ये चाहिए लिखा हुआ सामने लिखा हुआ है कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो भाई ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टियों के बारे में डिस्कस किया गया है, देख लें। तो ये कह रहा है इसको वेरीफाई करो, तो चले जी आए करते हैं। तो सबसे पहले आ जाए पार्ट वन की तरफ, ठीक है जी। पार्ट वन बेटा, पार्ट वन में हमें क्या करना है, कम्यूटेटिव। अब जरा देखिए, घबराना नहीं है, क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। कह रहा है कि वेरीफाई करो कि जो कम्यूटेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो भाई मैंने आपको बात तो एक ही है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा था, यानी कि पहले दो यानी कि दो क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, सही है। इसकी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट के एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। अब ये कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता, आपको पता है होता है तो उसको वेरीफाई करके बताओ कैसे। आपको पता है कि भाई अगर ये स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख देना, उसके अलावा ज़रा देखो यहाँ पे आपको पता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि z1+z2 = z2+z1, है ना बेटा। मैंने क्या बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ऑर्डर चेंज करते हैं कि z1 को प्लस किया z2 के अंदर, तो z2+z1 ऑर्डर चेंज कर देते हैं। एडिशन में इसने कहा था, इसने खुद कहा है एडिशन में, तो वो एडिशन आ गया। तो चले जी अब करते हैं। तो भाई z1 की वैल्यू क्या है, z1 की वैल्यू हमें दी हुई है 3-4 आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू इसने हमें क्या दी हुई है, z2 की वैल्यू दी हुई है इसने हमें 4+5 आयोटा, ऐसा ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता है रियल रियल के अंदर और इमेजिनरी इमेजिनरी के अंदर ऐड होता है, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, और -3 और +5 आयोटा कितना होता है +1 आयोटा, सही है जी बेटा। तो आपने इस साइड को सोल्व कर लिया, बेहतरीन हो गया। अब हम इस साइड को सोल्व करेंगे, तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, z2 की वैल्यू क्या है, z2 की वैल्यू है यहाँ पे 4+5 आयोटा, फिर z1 की वैल्यू क्या है, z1 की वैल्यू है हमारे पास 3-4 आयोटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4+3 किया तो हमारे पास 7 आ गया, और 5-4 किया तो हमारे पास +1 आयोटा आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई हिंस, अब यहाँ पे आपको पता है कि भाई जो आपका क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया जी, बिल्कुल आ गया। तो ये क्या होगी, प्रूव हो गई क्या कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे लिखना चाहें तो लिखते, क्योंकि मार्कर से ना अच्छा खासा वो आ जाता है कि लिख देता हूँ, चले किसी बच्चे के लिए मसला ना हो, कि भाई एडिशन एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, ठीक है जी बेटा। ये कम्यूटेटिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ऑर्डर चेंज करके हमने ऐड करना, क्योंकि ऐड कर रहे थे। अब इस तरीके से अगला हमारे पास देखें क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करें कॉम्प्लेक्स नंबर की इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें और उनका ऑर्डर चेंज करके उनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। कम्यूटेटिव का मतलब क्या था, ऑर्डर चेंज करना, या तो एडिशन में हो, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करेंगे, तो ये वेरीफाई होना चाहिए। तो चलिए जी अब करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, पार्ट नंबर टू, ठीक है जी, पार्ट नंबर टू है। अब चाहे तो इसकी स्टेटमेंट जो है ना कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कम्यूटेटिव, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, वो इसके आगे लिखना चाहें तो लिख दें, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमें पता है कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मल्टीप्लीकेशन में क्या स्टेटमेंट होती है, कि z1 multiply by z2 = z2 multiply by z1, ठीक है ना बेटा। बच्चे बच्चे की बात है, ऑर्डर चेंज कर दिया। अब चलें जी वैल्यू पुट करते हैं। तो भाई z1 बताएं यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3-4 आयोटा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है z2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4+5 आयोटा इक्वल टू,
इसी तरह जेड टू की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 + 5 iota मल्टीप्लाई बाय जेड वन, तो जेड वन की वैल्यू क्या है, 3 - 4 iota। तो अब हम इनको बारी बारी अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं ऑर्डर चेंज करने पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपनी वैल्यू तो नहीं चेंज करते। जी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, ये मैंने आजमाया हुआ है, आप तो पहली बार देख रहे हैं ना, मैंने आजमाया हुआ है, नहीं करते। तो चले जाए करते हैं चेक। तो सबसे पहले आपको पता है कि भाई ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट को, तो 3 4 12 और 3 5 15, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, आयोटा, तो वो आयोटा आ गया। अब 4 को मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये -16 iota। उसके अलावा यही मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ये प्लस माइनस माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है, 4 5 20, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल, अब चलते हैं उसको आगे लेके, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो ज़रा देखें इसको, क्योंकि ये फिर बाद में सोल्यूशन करेंगे ना, ठीक है ना। तो ज़रा देखें यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 12, और आयोटा ज़रा देखें, ये प्लस 15 आयोटा और -16, तो 15 में से 16 अगर माइनस देखें तो बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का आयोटा बच जाएगा, और माइनस, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि -20, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मजीद करते हैं, माइनस आयोटा, ये आपको पता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, +20, सही है जी बेटा। तो अब ज़रा देखें 12 और 20 कितने हो जाएंगे, 12 और 20 हमारे पास हो जाएंगे 32 माइनस आयोटा, ठीक है जी बेटा। तो इसको थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, 32 माइनस आयोटा, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड की चलते हैं, अब इस साइड पे, ठीक है जी बेटा। तो देखते हैं सेम आता है या नहीं आता। तो अब ज़रा देखें यहाँ पे 4 × 3 = 12, 4 × - तो ये 16 iota, अब 5 × 15 iota, ठीक है जी, और -20 iota इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। अब चलते हैं इसको आगे लेके, इक्वल है, ये इक्वल का साइन आएगा, इधर आएगा। तो अब ज़रा देखिए यहाँ पे आगे क्या होगा, ये हमारा 12 यूं का यूं ही रहा, -16 और +15 है, तो आपको पता है यहाँ पे माइनस का आयोटा बच जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो आप कैलकुलेटर में डालें, ठीक है जी बेटा, ज़रा देख लें अगर किसी बच्चे को मसला है कि -16 और +15 है, तो ये क्या माइनस का 1 आया, इसलिए यहाँ पे -1 iota मैंने लिख दिया है। अब आगे चलते हैं, अच्छा जी, तो भाई यहाँ पे आयोटा से इंटू जाएगा, तो ये आयोटा स्क्वायर बन रहा था, सही है ना। तो अब ज़रा देखिए -20 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो आगे मजीद चलते हैं, तो ज़रा देखें ये अब माइनस इंटू माइनस, ये +20 हो जाएगा, तो ये 20 + 12 किया, तो यहाँ पे हमारे पास 32 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो हिंस अब आप इसको ज़रा देख लेंगे भाई, 32 माइनस आयोटा, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों आपकी सेम आ गई है, जी बिल्कुल आ गई है। तो आपने मल्टी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब ऑर्डर चेंज किया, उनको मल्टीप्लाई किया, तो आपकी क्या हुई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो अब यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख दें कि भाई मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, क्योंकि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन भी हो कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो भी कम्यूटेटिव ही होती है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या था कि ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइडें चेंज ही आएंगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये प्रॉपर्टी हम पढ़ क्यों रहे, बेटा इन फ्यूचर जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि डिफरेंट चीज़ें, जैसे आप ये प्रॉपर्टी पढ़ के जा रहे हो, इसी तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट प्रॉपर्टी पढ़ोगे, फिर वहाँ पे आप रिलेट करना जब सीखोगे ना, अच्छा ये चीज़ यूँ थी तो यहाँ पे यूँ थी। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं यूँ दे देता हूँ, जैसा ये एक है ना नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इनके ऑर्डर चेंज कर दो तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे ना, शायद आपने पढ़ा हो, वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा, एक वेक्टर चैप्टर हो गया, ठीक है ना बेटा, वेक्टर चैप्टर हो गया, उसके अलावा मैट्रिसेस पढ़ लिया। तो बेटा मैट्रिस में क्या होता है कि अगर ए मैट्रिस मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिस करूंगा और इक्वल टू बी मैट्रिस मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिस, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज करके उनको मल्टीप्लाई करूंगा, तो उनके आंसर अलग आएंगे, समझ आ रही है। तो फिर आगे ये चलते चलते हायर लेवल पे, फिर हम उनको कंपेयरिंग करके अपने आंसर्स की तरफ रेफरेंस करते हैं। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है बेटा। और उसके अलावा पेपर में भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो ई कैड में भी आ जाता है, तो इसीलिए। अच्छा जी, तो फिलहाल यहाँ पे आके हमारे क्या कहते हैं, दो प्रॉपर्टीज होती हैं वेरीफाई। अब वेरीफाई होने के बाद आते हैं तीसरे के ऊपर। अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है,
ठीक है बेटा, तो पार्ट नंबर थ्री पे आ जाए। तो पार्ट नंबर थ्री में क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में मैंने हमेशा कहा था कि एसोसिएटिव की बात आ जाए तो थ्री का काम होता है, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है एडिशन। ठीक है जी बेटा, तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव स्टेटमेंट क्या थी कि हम क्या कर सकते हैं कि एडिशन करनी है, देख लेना पार्ट नंबर थ्री में कि भाई जेड वन प्लस करेंगे जेड टू प्लस जेड थ्री, ठीक है ना, इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ने हमें कहा था कि अगर हम पहले दो नंबर को ऐड कर लें और फिर तीसरा ऐड करें और उसके बाद ये इक्वल हो जाएगा कि हमने क्या करेंगे, आखिरी के दो नंबर को ऐड करें और फिर पहला वाला ऐड करें तो ये इक्वल ही आएंगे अकॉर्डिंग टू एसोसिएट प्रॉपर्टी आवर एडिशन। ठीक है जी बेटा, तो ये देखते हैं ये वेरीफाई होती है या नहीं होती, ठीक है ना बेटा, अगर किसी को शक है तो ये मैंने जो आपको बताया था देखें वही चीज़ें मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आ जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो भाई सबसे पहले देखिए Z1 हमारे पास यहाँ पे क्या था, Z1 यहाँ पे हमें दिया हुआ था 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है जी बेटा। अब ये हमें क्या करना है, प्लस करना है इसके अंदर, तो 4 प्लस 5 आयोटा, सही है जी बेटा। सबसे पहले हम इसको करेंगे ऐड, फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे तीसरा वाला। तीसरा वाला हमारे पास क्या है, तीसरा वाला हमारे पास यहाँ पे है माइनस 5 प्लस 6 आयोटा इजी कल टू, अब यहाँ पे जगह नहीं है इसको फिर हम बाद में देख लेंगे। तो फिलहाल हम पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फिर वो वाला ऐड करेंगे और उसके बाद इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, पहले इनको ऐड करेंगे और फिर तीसरा ऐड करेंगे, देखेंगे एसोसिएट प्रॉपर्टी लगती है या नहीं लगती कॉम्प्लेक्स नंबर पे। बिल्कुल लगेगी, मैंने चेक किया हुआ, मेरी बात माने ना आप, लेकिन आपको तो पेपर में, आप पेपर में ये तो नहीं कह सके ना मेरी बात मान लें, वहाँ पे आपको लिख के बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा सोल्यूशन, तो ये करके करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। चलें जी आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे ज़रा देखें, सबसे पहले एडिशन करनी है, तो भाई आपको पता है एडिशन हो रही है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, रियल रियल के अंदर और इमेजिनरी इमेजिनरी के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो भाई 3 और 4 कितने हो गए, 3 और 4 हो जाएंगे 7 और माइनस का 4 और प्लस का 5 किया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस का 1 आयोटा, सही है जी बेटा, सिंपल एक हो गया ये, ठीक है जी, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं, अब आगे आपको क्या करना है, माइनस 5 प्लस 6 आयोटा, अब आपको इसको ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है ना बेटा। चलें जी करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, कोई मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे, ऐड ही हो रहे हैं, तो भाई एक रियल नंबर ये रहा और एक रियल नंबर ये रहा, तो प्लस 7 माइनस 5, तो ये क्या होगा, तो ज़रा देखें प्लस, अगर चलें इसको थोड़ा और सीधा करके लिख देता हूँ ताकि बच्चा घबराए ना कि सर ये क्या हो रहा है। ज़रा देखें बेटा, सबसे पहले प्लस माइनस, ये माइनस का 5 और ये प्लस 6 आयोटा, ठीक है ना, ये इसी तरह रहेगा। तो अब ज़रा देखें, ये प्लस का और ये माइनस का 5 है, तो ज़रा देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 7 माइनस 5 किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा और रियल इमेजिनरी नंबर क्या है, 1 प्लस 6 किया तो ये 7 आयोटा बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा ये आपका आ गया, इसी तरीके से क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड को देखते हैं, उसका देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे तो जगह नहीं है, इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। तो देखते हैं क्या होगा, जेड वन क्या है मेरे पास, जेड वन मेरे पास है 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है जी, प्लस कर दें इसको किसके अंदर, Z2 हमारे पास क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा एंड प्लस Z3, तो Z3 हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दिया है माइनस 5 प्लस 6 आयोटा, ठीक है जी बेटा। चलिए जी इसको सीधा सही, कोई मसला तो नहीं किया ना, नहीं कर दिया या नहीं किया, नहीं कोई भी नहीं किया, देखे ना भाई सीधी सी बात है, Z2 और Z3 को ऐड कर दिया ब्रैकेट के अंदर और फिर ये Z1 जो है बाद में ऐड होगा। तो चलिए जी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले 3 माइनस 4 आयोटा यू का यू ही रहेगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे। तो भाई रियल नंबर एक ये रहा और एक रियल नंबर ये रहा, तो आपको पता बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो प्लस 4 और माइनस प्लस 4 और माइनस 5 है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 1 बच जाएगा। अब इमेजिनरी नंबर, तो भाई प्लस 5 है और प्लस 6 है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 11 आयोटा, ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब चलते हैं आगे, अब आपको पता है रियल रियल के अंदर और इमेजिनरी इमेजिनरी के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, तो भाई 3 एंड माइनस 1, तो 3 में से एक गया तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 2 और उसके अलावा माइनस 4 आयोटा और प्लस 11 है, तो यहाँ पे आप मुझे बताएं क्या बचेगा बेटा, 7 ही बचेगा। अगर किसी बच्चों को ये मसला होता हो कि ये माइनस 4 है और ये प्लस 11 है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव, तो आप पूरी वैल्यू अपने कैलकुलेटर में डालें, आपके सामने आ जाएगा क्या, ये पॉजिटिव 7, तो ये ज़रा देखिएगा पॉजिटिव 7 आयोटा, क्योंकि हमने इमेजिनरी नंबर्स को ऐड और किया था। तो ज़रा देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गई जी, बिल्कुल आ गई। तो अब यहाँ पे आप लिख दें कि भाई लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी बेटा, दोनों साइडें हो गई हैं इक्वल। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई एसोसिएट, अच्छा जी एडिशन करे थे ना, तो भाई स्टेटमेंट लिख देंगे कि भाई एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। ठीक है जी, एसोसिएटिव होती हैं, और ये हमने प्रूव भी कर दिया है। ठीक है जी बेटा, ये प्रूव्स है, सिंपल। अब चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ, तो नया पेज लगा देता हूँ, तो एक मिनट ब्रेक करें। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लिया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे कर लिए है। अब हम आ गए हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें इज एसोसिएटिव, तो ये प्रूव करके बताना है। तो भाई एसोसिएटिव, अब ज़रा देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरा मल्टीप्लाई करोगे, तो बाद के 2 वालों को मल्टीप्लाई करके पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों सेम आने चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी बेटा, तो चलें जी करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, तो स्टेटमेंट हमारे लिहाज से क्या थी बेटा, स्टेटमेंट थी सिंपल सी कि भाई Z1, Z2, ठीक है जी, और Z3 इक्वल टू Z1, Z2, Z3, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि भाई पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वल किसके होगा कि बाद के 2 वालों को मल्टीप्लाई करने के बाद पहले वाले मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली साइड लेते हैं, Z1 हमें क्या दिया है, तो Z1 हम यहाँ से लिख लेते हैं, Z1 हमें दिया हुआ है, मार्कर दूसरा ले लें, अच्छा जी। तो यहाँ पे ज़रा देखें आप क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे Z1 क्या दिया हुआ है, 3, ठीक है बेटा, 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना है किससे, Z2 से, तो Z2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4+5 आयोटा से, ठीक है जी। तो ये एक ब्रैकेट के अंदर आएगा, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें Z3 मल्टीप्लाई करना है, Z3 हमारे पास क्या है, -5+6 आयोटा, ठीक है जी बेटा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे फिर राइट हैंड साइड करेंगे, चलो जी। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, अच्छा जी मल्टीप्लाई करना है, याद रखना मल्टीप्लाई करना है। तो भाई मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई होगा, ये पहले इस ब्रैकेट से पूरा। अच्छा बच्चे कुछ कह रहे होंगे, सर यहाँ पे तो हम डॉट प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्यों नहीं यूज़ कर रहे। बेटा एक बात बताऊँ कि यहाँ पे हमें ना ऑर्डर पेयर में नहीं दिया हुआ, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ईजी है हमारे लिए, वरना फिर आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स वरना फार्मूले को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए थोड़ी अनहाइजीनिक, यानी कि टाइम अच्छा खासा लगेगा, एक एक स्टेप आपको मैं बताऊँगा। तो ये डायरेक्ट हो रहा है, होने दो, इससे क्या हो रहा है, इससे आपका आयोटा का कॉन्सेप्ट और से और अच्छा और बेहतर हो रहा है, ठीक है ना। आगे चल के देखिएगा आपको कितनी ज़्यादा आसानी होगी, और ई कैट के लिए आपको देखना कितनी आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पे फार्मूलाज बहुत कम हो रहे होते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बड़े बड़े आयोटा के क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन करने MCQs में आ रही होती है, तो वहाँ पे आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। और उसके अलावा आगे एक्सरसाइज में आप देखिएगा कितना आपको फ़ायदा होगा। चले तो फिलहाल देखते हैं यहाँ पर, तो भाई ये मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट, तो 3 4 12 और 3 5 15 आयोटा, 4 मल्टीप्लाई बाई किया तो 4 × 4 16 और ±, और ये ±, और 20 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। सिंपल ये हो गया ब्रैकेट मल्टीप्लाई, और उसके बाद बाहर क्या लिखा है, -+6 आयोटा इक्वल टू। अब इसको थोड़ा सीधा करते हैं, तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि भाई 12 आयोटा, ठीक है, सॉरी 12, और ये प्लस और माइनस, तो 15 में से 16 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है जी बेटा। और उसके अलावा यहाँ पे -20 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। उसके अलावा -5+6 आयोटा यूं ही लिखा रहा, उसको थोड़ा सीधा करते हैं, तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्या होगा, 12 ±1 आयोटा, उसके अलावा -×-, ये प्लस का 20 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई किससे होगा, -5+6 आयोटा से, तो ज़रा देखें आगे क्या होगा, तो भाई प्लस और 20 किया कितना आया आपके पास, 32, ठीक है जी, -1 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है -5+6 आयोटा से, ठीक है जी बेटा। तो ज़रा देखें अब अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो 32 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस उससे, तो ज़रा देखें ये बड़ी कैलकुलेशन है, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या 160 आ गया, सही है ना बेटा। और ये प्लस का आएगा माइनस का, बिल्कुल माइनस का आएगा, ठीक है जी। अब 32 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 32 मल्टीप्लाई किया 6 से, तो हमारे पास आ गया 192, तो 192
टू आ गया और उसके साथ आयोटा हमें गिफ्ट मिल गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और ये फाइव आयोटा बन जाएगा। अब माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस सिक्स हो जाएगा और आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब मजीद सिंप्लीफिकेशन करने के लिए अब क्या करेंगे, माइनस सिक्सटीन माइनस वन सिक्सटी। अब ये देखें जरा कितना बन जाएगा, आयोटा इसमें भी आयोटा इसमें भी है तो भाई ये कितना हो जाएगा 197। ठीक है जी, एक अगर नहीं यकीन हो रहा तो इसको ज़रा देख लें भाई, 192 प्लस 5, ओहो 192 प्लस, तो 192 प्लस 5 किया तो कितना आ गया 97। इसके साथ क्या लिखा आयोटा, तो आयोटा लिख दिया माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसको होता है, माइनस वन के। माइनस वन मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स से तो माइनस इंटू माइनस प्लस का इस बन जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा खत्म। तो अब इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे अब एक चीज जरा देखिएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस 160 एंड प्लस 6 है, तो लेकिन यहाँ पे आपके पास जो रियल नंबर बन रहा है 154 प्लस 197 आयोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये आपकी हैंड साइड गई है। अब हमें राइट हैंड साइड के बारे में काम करना है, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, जेड वन, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है जी, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है कि जेड टू पहले, यानी कि इस ब्रैकेट को सोल्व। तो जेड टू हमारे पास क्या है, जेड टू हमारे पास यहाँ पे 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है जी, और जेड थ्री हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। तो सबसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये वाला मल्टीप्लाई करें। तो चलिए जी आए करते हैं। तो भाई ज़रा देखिएगा, 4 इंटू 5 तो 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 24 आयोटा हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 तो माइनस इंटू माइनस 25 और ये जो आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा, तो ये आयोटा लगा आएगा इसके साथ। अब चलते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये आ जाएगा 30 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। सही है जी, आगे चलते हैं, 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, तो अभी ज़रा देखते हैं यहाँ पे माइनस 20 और ये आयोटा का है, तो 24 माइनस 25 किया तो यहाँ पे माइनस का आयोटा आ जाएगा। उसके अलावा आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी बेटा, तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो ज़रा देखें 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, ज़रा देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 50 माइनस आयोटा। अच्छा, अब हाँ यहाँ पे बच्चे को मसला होगा कि सर कैसे, तो अगर ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनकी मैथमेटिकली बड़ी बेसिक है, तो मतलब थोड़ी कच्ची है, तो माइनस 30 और माइनस 30 तो ये माइनस 50 आ गया। ठीक है जी बेटा, तो इस तरीके से आप ये प्रैक्टिस कर करके ही आपकी अच्छी मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी होगी तो फिर आप आगे भी अच्छे काम कर सकेंगे। अच्छा जी, तो भाई इसकी करी तो ये आ गया, अब हम इन ये ब्रैकेट को सोल्व किया ये आ गया, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए जी कर दें, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 50 से तो ये बन गया 150। ठीक है ना, सिंपल। माइनस का अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो ये माइनस 3 आयोटा। 4 मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा कुछ 200 आयोटा। अच्छा जी, फिर इसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सही है जी, अब आगे ज़रा देखें हम क्या कर सकते हैं, माइनस 15 और ये देखें इसको 200 में से क्या करना है, 200 में से 3 माइनस करना है, तो 200 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 197 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, देखिए 197 आ गया है। ये कैलकुलेटर स्पेशली उन बच्चों के लिए यूज़ करता हूँ जिनको थोड़ी सी ये मुश्किल होती है कि ये कैसे आया, तो ऐसे आ गया। अब आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4 तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे ज़रा देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 154 हो जाएगा और प्लस 197 आयोटा हो जाएगा। तो अब मेरे बच्चों ये देखो, माइनस 154 प्लस 197 आयोटा, तो भाई ये जो चीज़ थी, ये जो चीज़ थी, दोनों आ गई हैं जी, बिल्कुल आ गई हैं। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आप यहाँ पे इन द एंड यहाँ पे जरूर लिख दिएगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव प्रूव या वेरीफाई, क्योंकि वेरीफाई का बोला हुआ तो आप लिख दिएगा वेरीफाइड। ठीक है जी बेटा, तो इस तरीके से आगे यहाँ पे हमारा चौथा पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं पाँचवें पार्ट पे। तो पाँचवें पार्ट में हमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। तो ये किस प्रॉपर्टी को लिंक कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन और एडिशन प्रॉपर्टी को लिंक कर रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। अक्सर ये हो सकता है कि आपको खाली प्रॉपर्टी का नाम दे दो तो बोल दें उसकी स्टेटमेंट क्या है एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है ना बेटा,
तो और इसके अलावा ये भी हो सकती है कि भाई बताओ कि वेरीफाई होके इनका जो लेफ्ट एंड राइट साइड है वो क्या आ रही है, तो इस तरह भी कोई चीज़ आ सकती है, ठीक है ना। तो चलें अगला चलते हैं पार्ट नंबर फाइव पे। तो पार्ट नंबर फाइव है, पार्ट नंबर फाइव बुक की तो ज़रूरत नहीं है ना, तो चलें जी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर फाइव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की क्या स्टेटमेंट होती है कि जेड वन, ठीक है जी बेटा, जेड वन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है जेड टू प्लस जेड थ्री से, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके अलावा जेड वन मल्टीप्लाई बाय जेड टू और जेड वन मल्टीप्लाई बाय जेड थ्री, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे, तो सेम ही आंसर हमारे आएंगे। तो चलें जी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जेड वन हमारे पास क्या है, तो बुक की तो ज़रूरत पड़ेगी, बुक नहीं तो कुछ नहीं, तो चलें। तो भाई जेड वन की वैल्यू क्या है, जेड वन की वैल्यू हमारे पास है 3-4 आयोटा, ठीक है जी बेटा, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है जेड टू से, तो जेड टू प्लस 5 आयोटा प्लस जेड थ्री क्या है हमारे पास -5 प्लस 6 आयोटा, ठीक है जी बेटा, इक्वल टू, ये सिंपल, ये जो चीज़ थी ये ऐसी की ऐसी आ गई। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे ज़रा देखिएगा क्या होगा, 3-4 आयोटा, पहले इस ब्रैकेट को क्या करना है, सम ही तो करना है और क्या करना है, तो 4 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस 5 और प्लस 6 आयोटा, तो इस ब्रैकेट को पहले ऐड कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 देखें 4 और माइनस 5 किया तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 1 बचेगा, ठीक है जी, ये क्या आ गया -1 और माइनस आयोटा 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना, ऐड हो रहे तो ऐड कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये ब्रैकेट ऐड हो गए है ना, इनको ऐड करना था ऐड कर लिया, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई किया इससे तो -3, 3 मल्टीप्लाई किया इससे तो 33 आयोटा, 4 मल्टीप्लाई किया इससे तो -, प्लस 4 आयोटा, और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 44 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का था तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है ना बेटा। चलें जी अब आगे चलते हैं। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं बेटा, सबसे पहले यहाँ पे ज़रा देखिए -3, ये 33 है ये 44, ठीक है, 33 प्लस 4 किया क्योंकि आयोटा क्या है, तो आयोटा एक दूसरे के अंदर ऐड ही होंगे, तो 33 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये 37 आयोटा बन जाएगा, अगर किसी बच्चे को मसला है कैलकुलेटर में कर ले। अच्छा जी आगे चलते हैं, आयोटा स्क्वायर करें, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे -44 से तो ये प्लस का 44 हो जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, -3 प्लस 44 तो ये 41, ठीक है जी बन जाएगा, प्लस का 41 आएगा और प्लस 37 आयोटा हो जाएगा। तो भाई क्या किया हम लोगों ने, ये रियल नंबर है और ये इमेजिन नंबर है, ठीक है ना, तो सिंपल हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, हमारे पास आ गई ये, अब राइट हैंड साइड को करते हैं। तो भाई ज़रा देखो Z1 क्या है हमारे पास, कैलकुलेटर सॉरी बुक को निकाल लेते हैं, भाई Z1 हमारे पास क्या है, 3-4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2, तो 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है जी, इनको प्लस करना है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z1 क्या है 3-4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z3, तो Z3 क्या है -5 प्लस 6 आयोटा, ठीक है जी बेटा, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है। तो चलिए जी ऐड करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं, तो 3-4 इसको कहाँ करूँ, ऊपर कर दूँ इधर कर दूँ, चलिए इधर करता हूँ, ठीक है ना, इसको इधर कर रहा हूँ, तो 3-4 12, ठीक है जी, 3-5 15 आयोटा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है जी, -16 आयोटा और माइनस करेंगे तो -20 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी बेटा, ये एक को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, एंड प्लस अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -15, ठीक है जी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6-3 18 और उसके साथ लिखा है वो आयोटा, अब -4 मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो -(-) प्लस 20 आ जाएगा और आयोटा आएगा, उसके अलावा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, क्योंकि 6 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4-6 क्या होता है 24 और उसके साथ आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी बेटा, थोड़ी जगह नहीं थी तो उसको मैंने थोड़ा नीचे करके लिख दिया है। अब चलते हैं आगे, अब ज़रा देखिए यहाँ पे ज़रा देखिएगा क्या होगा 12, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ज़रा ये देखिएगा, 15 और -16 किया तो माइनस,
अच्छा जी स्टूडेंट, एक टेक्निकल वजह की वजह से एकदम से वीडियो कैंसिल आउट हो गई थी, तो मैं पढ़ाता रहा, तो मैंने जब देखा तो वीडियो स्टॉप थी, तो मैंने जो देखा है वो कैंसिल वीडियो हुई है यहाँ से, यानी कि आपको उम्मीद है कि यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो बेटा आगे जो हम कर रहे हैं ना वो बेसिक सिंप्लीफिकेशन की है। क्या किया ज़रा देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे आगे क्या किया, ये 12 ऐसे के ऐसे ही रहा, ये 15 है और ये माइनस 16 है, तो 15 माइनस है तो माइनस का आयोटा बच गया, आयोटा होता है माइनस 1, 1 माइनस 20 से मल्टीप्लाई के तो माइनस प्लस का, इसकी सिबलिंग ये की है, माइनस 15 ऐसे ही रहा, 18 आयोटा प्लस 20 आयोटा, ये हो जाएगा 38 आयोटा। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई यूँ, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होता है 1 तो माइनस 1 प्लस आयोटी 4, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते आते हैं, तो यहाँ पे ज़रा देखें 20 प्लस 12 किया तो हमारे पास 32 बन जाएगा, और माइनस आयोटा यू का यूं ही रहा। अब चलते हैं इस साइड पे, इस ब्रैकेट पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ये 24 और माइनस 15 है, तो आपने 24 माइनस 15 किया, तो आप कैलकुलेटर में करके देख लें बेटा, आपके पास दो मिनट में आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को मुश्किल होती हो बेसिक कैलकुलेटर में, 24 माइनस 15 करें तो आप ज़रा देखें ये आपके पास क्या आ गया, 9। तो इसी तरीके से मैंने किया है कि भाई 24 माइनस 15 किया तो 9 आ गया और 38 आयोटा, तो ये चीज़, तो बेसिक इसका भी सिंपलीफाई होकर ये भी आ गया। अब हमने क्या किया, यानी कि दो मल्टीप्लाई करने थे, उनको मल्टीप्लाई करते करते ये आ गए, अब हम इनको करेंगे ऐड। तो भाई ज़रा ऐड करना है, तो आपको पता है रियल रियल के नंबर और इमेजिनरी इमेजिनरी के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे ज़रा देखें क्या लिखा है, 32 प्लस 9, 32 प्लस 9 किया तो मेरे पास 41 आ गया, और इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 38 आयोटा वाला है और माइनस 1 आयोटा वाला है, तो यहाँ पे 37, तो इन इमेजिनरी इमेजिनरी को ऐड किया तो यहाँ पे मेरे पास 37 आयोटा आ गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने की थी दोनों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, यानी कि 41 प्लस 37 आयोटा, 41 प्लस 37 आयोटा। तो भाई जो हमारी प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको हमने फॉलो किया और हमारे पास प्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पे आके हम इस वीडियो को करते हैं एंड, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल है, काइंडली अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो भी बने हो कोचिंग के या फ्रेंड्स के, जो भी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के अंदर हो, उसके अलावा 9 मैट्रिक में भी हो, उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको तमाम न्यू बुक्स जो हैं मैथमेटिकली स्पेशली, उनका सोल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। और उसके अलावा ये कि यकीनन जब मैं मैथमेटिक्स कंप्लीट कर दूंगा तो फिर फिजिक्स के ऊपर भी आऊंगा, और फिर केमिस्ट्री या दूसरे सब्जेक्ट जो भी होंगे, मुझे टाइम होगा तो इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी उस पर कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है। ठीक है, तो मैं तो हार्डवर्किंग के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा होता है, लाइक्स कैसे आते हैं वीडियोज़ पे या सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी फिर उतनी मेहनत आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।